खुल गया खुल गया। लाइफ केयर फार्मेसी जन सेवार्थ मेडिकल पॉइंट, सभी प्रकार की दवाइयों पर विशेष छूट। खुलने का समय प्रातः 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक। हमारा पता मोनार होटल के बराबर में बाईपास रोड फिरोजाबाद क्लब के ठीक सामने। पुलिस कमीशन रेट में आज कोर्ट में सुनवाई। पुलिस कमीशन रेट में 4 बजे से होगी सुनवाई। अधिकारी अपने जोन सर्किल की सुनवाई नहीं करेगा, एक दूसरे के जोन सर्किल की अफसरों को जिम्मेदारी। सुनवाई के दौरान पुलिस वर्दी नहीं पहनेंगे अधिकारी। कमीशन रेट में पुलिस अधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे। सुनवाई की प्रक्रिया ACM कोर्ट की तरह होगी। DCP, ADCP, ACP की कोर्ट में अलग अलग होगी सुनवाई। देखिए, आज से कमिश्नर सिस्टम में जो प्रिवेंटिव सेक्शंस की जो कार्रवाइयाँ पुलिस के मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स के द्वारा की जानी है, उसमें आज 14 कोर्ट शुरू हुए, जिसमें ACPs के, एडिशनल DCPs के और DCPs के कोर्ट जो हमारे सिटी क्षेत्र के हैं और जो ईस्ट और वेस्ट क्षेत्र के जो कोर्ट्स हैं वो सभी आज से क्रियान्वयन हो गए हैं। और उसमें हम वेरियस जो प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं उनमें हमारे ACPs, हमारे एडिशनल DCPs और DCPs कार्रवाई करना स्टार्ट करेंगे। क्या टाइमिंग क्या रहने वाली, किस तरह से, क्या कब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है कब बैठा करेंगे? देखिए, वैसे तो एडिशनल जो ACPs हमारे हैं वो डेली कोर्ट करेंगे और नॉर्मल, क्योंकि टाइमिंग ही उनकी शाम की रहती है तो हमने जो उनकी टाइमिंग रखी है वो 4-5 बजे की रखी है। लेकिन कहीं जो यहाँ DCPs को कोर्ट्स करने हैं हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, तो वो दोपहर में कोर्ट करेंगे, मतलब आफ्टरनून सेशन में ही ये कोर्ट्स किए जाएंगे, क्योंकि इन कोर्ट्स की आवश्यकता मोस्टली आफ्टरनून सेशन में पड़ती है। लेकिन अगर कहीं आवश्यकता होगी फोरनून के टाइम पे भी कोर्ट रन करने की आवश्यकता होगी तो ACPs मौजूद रहेंगे। नहीं, देखिए, जब मजिस्ट्रेट का काम कोई भी करता है तो वो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के नहीं करता है। सभी मजिस्ट्रेट्स अपने डिसेंट CVs में, और जो एक मजिस्ट्रेट को ड्रेस कोड है उसी ड्रेस कोड को सभी लोग फॉलो करेंगे। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, नेचुरल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, कोई भी अपने क्षेत्र के जिसको वो ACPs सुपरवाइज कर रहे हैं वहाँ के प्रिवेंटिव सेक्शंस की कोर्ट वो नहीं करेंगे, वो दूसरे क्षेत्र की प्रिवेंटिव सेक्शंस की कोर्ट करेंगे। क्या लगता है कुल कितने कोर्ट हैं एस्टेब्लिश किए गए, क्योंकि लगातार पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है, और क्या लगता है इससे कितना एफिशिएंसी बढ़ेगी? देखिए, टोटल 14 कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं आज की डेट में विभिन्न लेवल के, और इनको हमें पूरे सारे जितने हमारे ऑफिसर्स हैं सबके कोर्ट्स एस्टेब्लिश होने हैं आगे आने वाले 15 दिन में, एक महीने में बाकी सभी कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश कर लिए जाएंगे। अभी शुरुआती दौर में कुछ जो हमारे कोर्ट रूम्स हैं उसमें 1 या 2 ऑफिसर्स बैठेंगे, उनका टाइम अलग होगा, उनके डेज अलग होंगे। आगे आने वाले समय में जब ये सिस्टम स्थायी हो जाएगा तो और भी कोर्ट्स ऑफिसर्स के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।